सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, सत श्री अकाल। आप तो कैसे हैं, आप सब करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत पूरी एनर्जी के साथ। और आज मैं करने वाला हूँ HR450X जनरेशन 3 का रेंज टेस्ट रैप मोड में। उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे इको मोड में कितना चलती है। आज पहले अपन बनाएंगे रैप मोड में, तो मिलते हैं आपको सीधा गाड़ी में, लेट्स गो। तो दोस्तों करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। और ये रहा अपना गाड़ी, 100% बैटरी, 105 किलोमीटर वेरियंस दिखा रही है, बट तो इको मोड है। अपन करते हैं इसका रैप मोड में दिखा रहा है ये गाड़ी, 65 किलोमीटर और 162 किलोमीटर अभी तक ऑटो चल चुकी है। मिलते हैं आपको आगे। तो वीडियो दोस्तों हो चुका है स्टार्ट, और रैप मोड का मेन टेस्टिंग जो होता है वो होता है हाईवे पे। और यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही है, तो उसके बाद ही इसका जो होगा असली टेस्ट। पर मैं कोशिश करूंगा फुल उसको एक्सेलरेट करने के। फिलहाल तो मैं अभी अपनी सोसाइटी के अंदर पे हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट मिलता सीधा हाईवे पे। तो अभी अपन दोस्तों आ चुके हैं हाईवे पे, और 2 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, 2.1, और 3% बैटरी ड्रेन हो चुकी है, 97 हो गया 100 से। बाकी अभी भी अपन एकदम ओपन रोड में नहीं आए, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे पूरी भगाने की। बाकी भाई परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है गाड़ी की, मतलब मेरे पास एवेंजर है, मैंने उसको भी भगाया, उसके बाद ये गाड़ी मुझे इतनी ज़बरदस्त पावर लग रही है गाड़ी की। तो हाँ, परफॉर्मेंस एक नंबर है, कोई लैग नहीं है, बहुत ही शानदार पिकअप लेती है गाड़ी। बस अपन यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाए, यहाँ से अपन ब्रेकिंग भी अच्छी है, बस हाँ अगर आप ज़्यादा स्पीड से दबाओगे तो टायर स्लिप हो सकता है, बिकॉज एक दो बार हुआ है। और अपन पहुंच चुके हैं टॉप स्पीड पे 90, बट मैं यहाँ 90 ज़्यादा कैरी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सामने काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो अभी अपन दोस्तों आ चुके हैं एक्सप्रेस वे पे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल भराएंगे गाड़ी। अभी आप देख सकते हो 9 किलोमीटर चल गई गाड़ी और 88% बैटरी है, 57 के भी रेंज दिखा रही है। बाकी अब अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपन फुल थ्रॉटल भगा सकते हैं, तभी तो पता चलेगी इसका ट्रू रेंज इन रैप मोड। तो टॉप स्पीड अपन ने अचीव कर ली है 90। ओहो, और क्या ही नज़ारा है भाई। और मैंने ये नए राइडिंग ग्लव्स भी पहने हैं, तो इससे भी टेस्टिंग हो जाएगी। अपन है अभी अटल एक्सप्रेस वे पे, और अपन करेंगे फोर्ड को ओवरटेक, और क्रेटा को भी करेंगे ओवरटेक। मतलब परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है भाई, अपने टॉप स्पीड बहुत इजी से अचीव कर लेती है गाड़ी। तो अभी जो है दोस्तों मैं यहाँ पर थंबनेल लेने के लिए रुका था, और अब फिर चलते हैं आगे। इसका साउंड भाई काफ़ी मतलब इतनी प्यारी सी साउंड आती है ना, बाकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो एकदम शांति से निकल जाती है, बट ये ओके लगता है हेलमेट का बेल्ट लगाना भूल गया, पहले रुकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है भाई, सेफ्टी फर्स्ट। तो दोस्तों ये रेंज टेस्ट करते करते मुझे पता नहीं मैं ये कौन से रोड पे आ गया हूँ, बस मैं सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट चलता जा रहा हूँ। और इधर देख सकते हो आप, उस तरफ रोड ब्लॉक है, इसके वजह से इधर से ही आना और जाना दोनों कर रहे हैं। बाकी अपनी जो गाड़ी जो चल चुकी है 20 किलोमीटर, और 71% बैटरी अभी भी बची है, 46 के रेंज दिखा रही है। तो देखते हैं जहां अपनी गाड़ी 48-49 के आसपास पहुंच जाएगा, वहां से मैं यू टर्न ले लूंगा, बाकी भगाते रहूंगा और बीच बीच में आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा। तो दोस्तों मैं
रेंज टेस्ट करते करते रायपुर से पहुंच चुका अभनपुर, और अपने बैटरी अभी बची है 55% अभी भी बची है, 37 की रेंज दिखा रही है, 30 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, 30.8 मतलब 31 होने वाला है, और आई थिंक मुझे यहाँ से यू टर्न मान लेना चाहिए बिकॉज मैं सिटी के अंदर जा रहा हूँ और मुझे सिटी में नहीं जाना है भाई, ठीक है ट्रैफिक में चलाऊंगा तो फिर रेंज नहीं आएगा ना। वापिस चलते अपन अभनपुर टू रायपुर हाईवे, बाकी यहाँ चलाने में तो काफ़ी मज़ा आया मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस गोप्रो का एंगल का मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसा क्या रिकॉर्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद मैंने गोप्रो सेट किया है आज, और वो भी स्कूटर पे इसके पहले मैं एवेंजर पे करता था, और उसका और इसका भाई देखो एंगल बहुत ही अलग है, बाकी ठीक है। देख रहे हो कितना ट्रैफिक है भाई, हर जगह डाइवर्जन ही डाइवर्जन। तो अब अपन आ चुके हैं वापिस हाईवे पे, अब हम फिर से भगा सकते हैं गाड़ी। आज उस तरफ भी बोर्ड बन रहा है, मुझे तो लगता है पूरे देश में ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक मैंने 48.3 किलोमीटर चला लिया है, बैटरी अभी भी 28% बचा हुआ है, 22 किलोमीटर का रेंज अभी भी दिखा रहा है, और मैंने 62 मिनट में 48.3 कवर कर लिया, मतलब आप खुद ही सोच सकते हो मैंने लगभग पूरी कोशिश करी 80 से 90 के स्पीड मेंटेन करने की, बाकी ठीक है 28% और बचा है। अभी अपन आ चुके हैं वापस और मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब मैं अपने सिटी के अंदर एंटर हो चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि 16% बैटरी बची है, और ये ऑटोमेटिक इको मोड पे आ चुका है, यानी कि अब आप रैप मोड में नहीं चला सकते गाड़ी, देख सकते हो देखो लेकिन नहीं हो रहा चेंज। तो रैप मोड में मैंने चलाया गाड़ी का 55.4 किलोमीटर, और 16% बैटरी अभी भी बची है, और तो मतलब कि कंपनी ने जो क्लेम किया मतलब इसमें जो दिखा रहा था 65 तक जाएगी ज़रूर, बट 16% के बाद गाड़ी जो है इको मोड फिर अपने आप ही जा चुकी है, बिकॉज मेरी गाड़ी स्लो थी तो मैंने कोई चेंज नहीं किया था, वो अपने आप ही चेंज हो गया है। तो एक तरह से वो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू चलाओगे तो अगर लॉन्ग रास्ते पे रहोगे तो हो सकता है आप फंस भी जाओ। तो दोस्तों वो अपनी गाड़ी चल चुकी है करेक्ट 60 किलोमीटर 80 मिनट के अंदर, 11% बैटरी बची है, 9% की 9 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है, मतलब ठीक है 65 तो आराम से चल जाएगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, 15 के बाद वो ऑटोमेटिक ही इको में आ जाता है जैसा कि कंपनी कहा था, ठीक वैसा ही। तो दोस्तों रिजल्ट आप सबके सामने में है, गाड़ी 65 किलोमीटर चली है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन 55 किलोमीटर चलने के बाद वो ऑटोमेटिक इको मोड में चले गई थी, उसके बाद आप उसका रेंज चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे कंपनी भी बोलती है कि 15% के बाद वो ऑटोमेटिक इको मोड में चली जाती है, जो कि वो बिल्कुल चली गई। उसके बाद भी 16% बैटरी बचा हुआ था, और मैंने उसके बाद फिर 65 के ऊपर चला लिया था गाड़ी आराम से, घर पहुँचते चल गई थी, वहाँ उसका कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल गई गाड़ी, बिल्कुल पहुँच गए हम। अब अपन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो होगा अपना इको मोड का रेंज टेस्ट होगा, होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगे करना लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।